बताइए किसको लेकर के आज आप लोग ज्ञापन दे रहे हैं। ये पहाड़गंज जटिया कॉलोनी का मामला है, वार्ड नंबर 21, पार्षद पति प्रदीप तुनगरिया, वहाँ के पार्षद किरण पार्षद। वर्तमान में एक टावर का निर्माण चल रहा है जो कि उनके घर के ऊपर लग रहा है, तो इसमें जनता में काफ़ी रोष है, विरोध है कि टावर नहीं लगना चाहिए, लेकिन ये तानाशाही की तरह से लगवा रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से पार्षद साहब से निवेदन करना चाहता हूँ कि आपको जनता ने प्रतिनिधि बनाकर आपको भेजा है, निगम के अंदर भेजा है, तो जनता के हिसाब से आपको चलना चाहिए। अपने हिसाब से नहीं चले तो बढ़िया है, क्योंकि जनता है तो आप है, आपकी पहचान जनता से होती है। तो जिस तरह से आप जो कार्य कर रहे हैं इससे जनता खुश नहीं है, तो कार्य करना भी नहीं चाहिए। जनता ने समझाया भी था, रिक्वेस्ट भी की थी, लेकिन सुनाई में तो ये भी आ रहा है कि वो कानूनी कार्रवाई करने की धमकी भी दे रहे हैं और जनता को दबाने का प्रेशर भी कर रहे हैं। तो ये हाथ किसका है ये तो वही जाने, क्योंकि जनता ने आपको बनाया है, आपने जनता को नहीं बनाया है। क्या चाहते हैं आप लोग? बस जनता का एक ही विरोध है कि ये टावर नहीं, टावर सभी का ये कहना है कि टावर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इसके जो तरंगे हैं जो नुकसानदायक है, क्योंकि आसपास में हॉस्पिटल भी है, स्कूल भी है और मंदिर भी है। वो सबसे पहले बात, टावर जहाँ लगाया जाता है उसका रोड चौड़ा होना चाहिए, 30 फीट का रोड होना चाहिए। वो रोड देखेंगे तो 8-10 फीट का ही रोड है, तो ये किस तरह से ये टावर लग रहा है तो वो ही जाने। और उसके बाद वर्तमान में वो लाइट कनेक्शन भी आज चल रहा है, परमिशन मिली या नहीं मिली हमें उससे मतलब नहीं, अगर मिली है तो उसको निरस्त किया जाए और टावर नहीं लगना चाहिए, ये जनता की मांग है। किस तरह की धमकियाँ दी जाती है आपको? जनता का ये कहना है कि आसपास पड़ोस का कि जो जो इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं तो क्या मैं मानवीय का दावा लगाऊंगा जो जो मेरे विरोध में बोलेगा। विधायक महोदय का भी नाम? और देखो, विधायक महोदय हमारे क्षेत्र की प्रतिनिधि है और विधायक हमारे एरिया से हैं, दक्षिण से हैं, तो उनको समझना चाहिए कि आप ही के पार्टी के द्वारा पार्षद बना है, तो आपको समझाना चाहिए था, ना कि जनता उनको समझाए कि आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो। तो ये अनिता बदल जी को सोचना चाहिए था कि पार्टी के विरोध, जो पार्टी के कार्यकर्ता का विरोध हो रहा है, उसके पार्षद का विरोध हो रहा है, तो जनता ने आपको जिताया है, तो इसी जनता ने आपको विधायक भी बनाया है, तो जनता ने आपको विधायक भी बनाया है, दक्षिण से बने हैं विधायक, तो जनता के दक्षिण की विधायक बन के आप उनका नहीं सोचोगे तो किस तरह से काम होगा? आने वाला समय ज़्यादा दूर नहीं है, विधानसभा चुनाव फिर आने वाले हैं। महोदय अनिता बदेल जी, आपको तो रिक्वेस्ट है, अगर हमारी कार्रवाई नहीं होती है तो हाथ जोड़कर आपसे कहना चाहता हूँ कि विधानसभा के समय यही जनता आपको जवाब देगी। मुकेश सबलानिया।